दोस्तों आज है फैंटम 110 और आप देख सकते हो कि मैंने गले में पहन रखा है। प्राइस है सिर्फ 700 रुपीज। 700 में आपको यहाँ पे कमाल का नेक बैंड देखने को मिल रहा है। मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि फीचर्स में भी जबरदस्त है। यहाँ पर आपको 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है SBC सपोर्ट के साथ। भाई निराश मत होना, AAC जैसा साउंड एक्सपीरियंस है इसमें, और 50 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है, तो गेमिंग भाइयों के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। और ENC नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, टेस्ट करके देखेंगे है या नहीं। और ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी भी है, इसके हेल्प से आप इस नेक बैंड को दो मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल या फिर PC मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, दोनों डिवाइस में एक साथ सॉन्ग प्ले नहीं होता। पहले वाले को पॉज करोगे तो दूसरे का आवाज सुनाई देगा, दूसरे को पॉज करोगे तो पहले वाले का आवाज सुनाई देगा। और टोटल 20 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको इसमें सुनने को मिल रहा है 50% वॉल्यूम में। और फास्ट चार्जिंग का भी फीचर्स है, जिसके हेल्प से 15 मिनट चार्ज करके ये आपको 7 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी 50% वॉल्यूम में। 13mm का लार्ज ड्राइवर का भी इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, और IPX5 का वाटर रेटिंग है। तो चलिए अभी देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, बाकी की बातें बाद में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्रोडक्ट पसंद आए तो Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसा दिखता है इसका बॉक्स, बॉक्स के ऊपर का पेपर हटा लेते हैं। तो पेपर हटाते ऊपर आपको विंग्स फैंटम 110 का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। नीचे इन्होंने अपने कुछ की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। बॉक्स के दूसरे तरफ ब्रांडिंग है, तीसरे तरफ भी इन्होंने अपने की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। बॉक्स के ऊपर नीचे खाली है, पीछे की तरफ की फीचर्स है, और थोड़े ही नीचे ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इन्होंने प्रिंट कर रखा है। जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, कोई इशू होने से आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और रेट का हॉलमार्क भी है। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ पेपर वर्क मुझे इसके साथ देखने को मिला। ये है वारंटी कार्ड, इस बार कोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है, और साथ ही में नीचे कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने प्रिंट कर रखा है। और ये है विंग्स के कुछ कूल स्टिकर यहाँ वहाँ चिपकाने के लिए। और ये है यूजर मैनुअल, जिसके अंदर कुछ खास इन्फो नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपने फंक्शन को ही प्रिंट कर रखा है। और ये है टाइप सी चार्जिंग केबल, और ये कुछ 8 टिप्स है, जिसके अंदर आपको दो हुक मिल रहा है, और साथ ही में 2 8 टिप्स है, लार्ज एंड स्मॉल, मीडियम साइज का बॉड्स में लगा हुआ है। और अभी क्लोज लुक नेकबैंड की तरफ, सो नेकबैंड का लुक काफी बढ़िया है। यहाँ पर आपको विंग्स का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और आप जो ब्लैक कलर का पार्ट देख रहे हो, इसके अंदर इन्होंने सिर्फ बैटरी ही फिट कर रखा है और कुछ नहीं है। और इसका बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया लगा, और ऊपर आपको रबड़ टाइप का फिनिश देखने को मिल रहा है, पकड़ने से ऐसा रबड़ वाला फीलिंग आता है, लेकिन रबड़ नहीं है, प्लास्टिक ही है ये, वैसा फील आता है रबड़ वाला पकड़ने पर, छूने पर, तो ये टेक्सचर बहुत बढ़िया लगता है। और नेकबैंड के दूसरी तरफ आप 4 बटन देख रहे हो, बटन का डिटेलिंग भी काफी बढ़िया लग रहा है, देख के 700 का प्रोडक्ट फील नहीं हो रहा है। इस साइड भी आपको सेम रबड़ का टेक्सचर देखने को मिल रहा है, छूने से रबड़ वाला फील आता है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको एक होल देखने को मिल रहा है पीछे के साइड, वहीं पर ही फिट है इसका माइक। आगे के साइड एक और होल है, लेकिन वो है इसका LED नोटिफिकेशन पता लगाने के लिए, ऑन है ऑफ है। और इसके बेल्ट का क्वालिटी बेस्ट लगा मुझे, जब आप इसके बेल्ट को मोड़ोगे ना, उसके बाद सीधा होने के बाद एकदम अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है, वहां पे मार्क नहीं रहता है आपने जहां से मोड़ा था, तो ये चीज बेस्ट लगा मुझे इसमें। और आप इसे मोड़ मार के इजीली अपने जींस के पॉकेट में डाल सकते हो। और इसके वायर का क्वालिटी भी बेस्ट लगा मुझे, काफी ज्यादा थिक वायर के इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। और अभी क्लोज लुक बर्ड्स की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो बर्ड्स का लुक काफी बढ़िया है, पीछे आपको विंग्स का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और मैट ब्लैक कलर का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि एक रिच कलर है, बिल्ड क्वालिटी में काफी जबरदस्त है। और साथ ही में यहाँ पर आपको मेटल मिल रहा है, भाई इसका बर्ड्स मेटल का है, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी काफी बढ़िया है, हालांकि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर्स नहीं मिल रहा है। और अभी मैं आपको विंग्स फैंटम 110 का फंक्शन बताना चाहूंगा। सो यहाँ पर आपको 3 बटन देखने को मिल रहा है, इन तीनों के बीच में जो बटन है ये है ऑन ऑफ बटन, इसके सिंगल प्रेस से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पे कॉल एंड कर सकते हो, और 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस से आप कॉल रिजेक्ट भी कर सकते हो, और इसके डबल प्रेस से आप लास्ट डायल नंबर पे कॉल लगा सकते हो। और आगे के साइड दूर आप एक बटन देख रहे हो, इसके सिंगल प्रेस से आप गेम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, और इसके 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस से आप वॉइस असिस्ट भी ऑन कर सकते हो। और प्लस माइनस को तो आपको पता ही है, सिंगल प्रेस करोगे तो वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, लॉन्ग प्रेस करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए। और अगर इसके फील एंड कम्फर्ट के बारे में बात, तो आप पूरा दिन इसके इस्तेमाल करो तब भी आपके कानों में किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होगा, तो इसका कंफर्ट बेस्ट लगा मुझे। और इसके बर्ड्स का नॉइस कैंसिलेशन भी जबरदस्त है, सीलिंग फैन के नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है, साथ ही में टेबल फैन के नॉइस को भी काफी हद तक रिड्यूस कर देता है, तो इसके बर्ड्स का नॉइस कैंसिलेशन बेस्ट लगा मुझे। और आप इसे पहन के जिम कर सकते हो, और आप धीरे जॉगिंग कर सकते हो, आपके कानों से नहीं गिरेगा, लेकिन हाँ रनिंग के टाइम आपके कानों से गिर जाएगा। टाइटली फिट बैठता है, लेकिन इतना भी टाइट नहीं है कि आप रनिंग कर सको। और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तो ये सब
सबसे ज्यादा बेस्ट लगा मुझे इस नेक बैंड में, इसलिए मैं इतना तारीफ कर रहा था इसका, क्योंकि साउंड एक्सपीरियंस बेस्ट है, वोकल्स एकदम क्लियर एंड लाउड है, और जैसा इंसान का आवाज है एकदम वैसा ही साउंड डिलीवर करता है। साउंड में आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात ट्रिबल छनकार का, तो ट्रिबल छनकार भी अच्छा खासा ट्रिबल छनकार है, कानों में छनछन सा मारता है, सुनने में बहुत मजा आता है। सो ट्रिबल बेस का बढ़िया लगा मुझे। और अगर बेस के बारे में बात करें तो अच्छा खासा बूम पंची बेस आपको इसमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन बेस ओवर पावर नहीं है ना ही हाई पावर बेस है, बोले तो बैलेंस बेस आपको इसमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन जितना है सॉफ्ट है इसका बेस, कानों में बूम बूम मारता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप बैलेंस साउंड के दीवाने हो तब ये बेस्ट है आपके लिए, इसमें आपको क्लियर वोकल्स, ट्रिबल भी अच्छा और बेस भी कमाल का सुनने को मिल रहा है, तो आप इसे गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और म्यूजिक और मूवी सीरीज के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ऑलराउंडर है ये। तो चलिए अभी एक लो लेटेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और इसका गेम मोड भी मैंने ऑन कर रखा है। अभी देखते हैं लो लेटेंसी कैसा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा और सुना कि इसका लो लेटेंसी कुछ खास नहीं है, अप्रॉक्स 80-90 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई ये गेमिंग के लिए परफेक्ट नहीं है। लेकिन आप यूट्यूब वीडियो देखो, रील देखो, आपको साउंड का डिले महसूस नहीं होगा, लेकिन गेमिंग के टाइम आपको बहुत ज्यादा साउंड का डिले महसूस होगा, तो ये गेमिंग के लिए नहीं है भाई, सोचना भी मत। अभी मैं एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं क्योंकि इसमें ENC है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ कॉलिंग पे और अभी आप सुन सकते हो कि कॉलिंग के टाइम कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें आपको ENC नॉइस कैंसलेशन मिल रहा है। तो चलिए एक नॉइस कैंसलेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। वैसे इसमें आपको सिंगल माइक मिल रहा है, डुअल माइक नहीं है। तो दोस्तों ये मेरे पास हेडसेट है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉइसी है, तो अभी आप सुन सकते हो कि इस नॉइस में कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हो मेरे बाल उड़ रहे हैं और ये हेडसेट बहुत ज्यादा नॉइसी है और इसका सर्किट भी यहीं पर ही है, इसका ही है, तो नॉइज भी यहीं पर ही आ रहा है। तो अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक कैंसलेशन, और अगर सामने से हवा आता है तो अभी आप सुनो कि सामने से हवा आने से कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस। तो बस दोस्तों इतना ही, ज्यादा कुछ से रहता नहीं है बोलने के लिए माइक एक्सपीरियंस के टाइप। और जैसे कि आपने सुना माइक एक्सपीरियंस भी बेस्ट है, आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब कर रहा है, हालांकि वोकल्स को थोड़ा खराब कर रहा है लेकिन आवाज को क्लियर पकड़ रहा है। और ENC नॉइस कैंसलेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, नॉइस को काफी हद तक 80% रिड्यूस कर दे रहा है, हल्का हल्का नॉइस आ रहा है, इतना तो चलता ही है। सो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका ENC भी बेस्ट है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये लेना चाहिए या नहीं, बेशक भाई 900 में भी मिले तब भी ले लो, पछताना नहीं पड़ेगा आपको साउंड एक्सपीरियंस को सुनकर। IPX5 है तो वाटर टेस्ट तो बनता ही है, लेकिन हाँ इस तरीके का टेस्ट आप अपने घर पे मत करना क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है। हल्का फुल्का पानी लग गया तो कुछ होगा नहीं, लेकिन पानी में डुबकी मार लिया तो खराब हो सकता है। मैं जो कर रहा हूँ ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, देखो और एंजॉय करो, घर पे ट्राई मत करना। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और सॉन्ग भी चल रहा है। सो आप देख सकते हो 30 सेकंड्स हो चुके हैं और डिवाइस अब भी है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और सॉन्ग चल रहा है। क्या सॉन्ग भी चल रहा है, वाह, अभी निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये मेरा वाटर टेस्ट सरवाइव कर लिया है, तो हल्का फुल्का वाटर प्रूफ भी है ये, थोड़ा बहुत पानी लग गया तो कुछ होगा नहीं, एकदम जिम में अगर गीला भी हो गया तब भी कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन अगर कभी गलती से पानी में डुबकी मार लिया, बाल्टी में गिर गया, वॉशिंग मशीन में गिर गया, तो तुरंत निकाल के चावल की बोरी में डाल देना, कुछ नहीं होगा इसे। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।